सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा प्रतीक भट्ट जी, धन प्राप्ति के लिए महा उपाय क्या है? दिवाली के इस मौके पर हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? तमाम जगहों पर यह बातचीत चलती रहती कि धन प्राप्ति के लिए हम क्या करें, तो निश्चित तौर पर आपको यह समझना होगा कि धन प्राप्ति के लिए दिन क्यों चुना जा रहा है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो मैनेजर बनाए गए, धन सारा धन निकला, उसकी देवी कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी कही गई, लेकिन मैनेजर बनाए गए कुबेर जी। कुबेर जी के लिए इसलिए ओम वित्तेश्वराय नमः का मंत्र का भी जाप किया जाता है, लेकिन वो ठहरे बड़े कंजूस, आसानी से धन देते नहीं थे। तो फिर कहा गया गणेश जी की बुद्धि और कौशल को यूज़ किया जाए और धन का वितरण सही तरह से किया जाए। तो गणेश जी इसलिए इस पिक्चर में आए और गणेश लक्ष्मी की पूजा होने लगी। तो धन के लिए गणेश लक्ष्मी की पूजा होने की पहले वजह समझ लीजिए, इसलिए ये कथा मैंने आपको सुनाई। अब आपने पूछा धन के लिए क्या उपाय करें, दो तरह के उपाय बताएंगे। पहला, 11 कौड़ियाँ लें इस दिन, उन 11 कौड़ियों को माँ लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पित करें। याद रखिए विष्णु नारायण एंड कुबेर जी की भी मूर्ति जरूर से जरूर होनी चाहिए मंदिर में। उसके बाद इन तीन मंत्रों का पाठ करें, ओम गण गणपतये नमः, ओम महालक्ष्मीपतये नमः, ओम कुबेराय नमः। इनको सीक्वेंस से करना है, 12-12 बार पाठ करने हैं। अगर आपको कौड़ियाँ नहीं मिलती हैं तो 9 गोमती चक्र ले आइए, उसको माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए और ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, ओम महालक्ष्मीपतये नमः इस मंत्र का पाठ करके इसको अपनी तिजोरी में अगले दिन रख दीजिए। उसी काम को आपको गोमती चक्र को भी करना है, वही काम कौड़ियों के लिए करना है। कहते हैं जब आप तिजोरी में उसे रख देते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, रात भर वो वहाँ रखा रहता है, कुबेर भगवान का आशीर्वाद होता है, गणेश जी नारायण का आशीर्वाद होता है, तो जब आप वो तिजोरी में जाते हैं तो कहते हैं उसी तरह से सुख समृद्धि धन धान्य आपका बढ़ने लगता है। तो ये छोटा सा उपाय रात्रि में पूजा के दौरान जरूर से जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छी सलाह आपने हमारे दर्शकों को दी है। और देखिए धन प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है कि नौकरी भी हो। ABP News आपको रखे आगे।